देखिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, इसमें इसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो भी मेरा भला नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो भी मेरा भला नहीं होगा, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन यूट्यूब नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन कुछ और है। मैं इस चैनल को सिर्फ टूरिज्म के लिए बनाया है। अगर आप लोगों को इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छे लगते हैं तो मत कीजिए, मेरी सारी की सारी चीज़ आपके ऊपर। तो मैं अपने आज की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। तो मैं आज कहीं पर जा रहा तो उस वक्त मैं एक सुनसान जगह थी तो मैं जा रहा था, तो वहाँ पर मैं सडनली आसमान की ओर देख रहा तो देखा आसमान पूरा ही सुनसान है, सिर्फ एक ही पक्षी था जो इसमें उड़ रहा था। तो इसमें देख के मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि इतने बड़े आसमान में एक पक्षी उड़ रहा है वो कितना खुश नसीब है। तो उस वक्त ही मुझे एक बिल्डिंग में नजर गया, बहुत खूबसूरत थी बिल्डिंग। तो उसमें एक फ्लोर में देखा बहुत सारी पक्षियों को केज या पिंजरों में बंद करके रखा है, लेकिन वो पक्षी बहुत उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पिंजरे की जो साइज है वो बहुत ही छोटा था, जिसलिए वो लोग नहीं उड़ पा रहे थे। देख के लगा बहुत रिसेंटली ये केज खरीद के लाया गया है, और जो पक्षी इतने देर से उड़ना चाहते थे वो लगता नहीं है कि आसपास की जो पक्षी है वो बहुत महंगी थी। तो वो बहुत बहुत कोशिश की थी पिंजरों के पक्षी ने उड़ने की, लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो रहे थे, लेकिन उस जख्म से ना उस मालिक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो देख के बहुत मजे ले रहे थे। और मैं कुछ और ही सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी क्या उस खाली आसमान में एक पक्षी की तरह है या पिंजरों में कैद उन पक्षियों की तरह। तो मैंने देखा, मैंने बहुत कुछ मिलाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो मिला मैंने जो कैलकुलेट किया वो सारी चीज उन पिंजरों के पक्षियों के साथ मैच कर रहा। तो उस वक्त मुझे ऐसा गिल्ट फील हुआ कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जो अपनी सारी जिंदगी पिंजरों के अंदर ही रह के इस एक्सपीरियंस में मुझे बहुत कुछ बदला है, मेरे थॉट को बहुत चेंज किया। देखिए अगर आपकी लाइफ, फिर उस वक्त मैंने सोचा मुझे भी अपनी फ्रीडम चाहिए, इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करो, मैं अपना फ्रीडम लेके ही रहूं। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बहुत बड़े आदमी है, ये आपकी फ्रीडम नहीं है, आपकी फ्रीडम जो है वो किसी और से है, ये फ्रीडम नहीं है। और एक बात बोल दो, तुम्हारी और तुम्हारी जो फ्रेंड है और तुम्हारे आसपास जो एजुकेशनल स्टूडेंट है, सारे के मकसद एक ही चीज पे अटका है, वो है पैसा, और पैसा किसी और के हाथ में अटका है। तो तुम लोग अंधे हो गए हो, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।